हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि WCC 3 का जो बीटा अपडेट आया है उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स मिले हैं और क्या क्या हमें अनलॉक मिले हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़े। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पे कोई वर्जन नहीं दिखा रहा है, ये 0.5 है, लेकिन यहाँ पे WCC 3 बीटा दिखा रहा है। और अब हम चलते हैं कि हमें क्या क्या अनलॉक मिला है वो सब देखने के लिए। चलते हैं, यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, लोकल राइवल, बैटिंग राइवल, सब कुछ अनलॉक मिल चुका है। और अब हम देखते हैं और क्या क्या मिला है। और चैम्पियनशिप में हमें वर्ल्ड कप भी अनलॉक मिल चुका है। और सीरीज टेस्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें ODI सीरीज, TRI सीरीज, सब कुछ मिल चुका है अनलॉक। और लीग में जाके देखते हैं, पाकिस्तान लीग, ग्रेट ऑजी बैश, बांग्लादेश लीग, सब कुछ हमें अनलॉक मिल चुका है। तो ये अपडेट तो काफ़ी एकदम कमाल वाला अपडेट है। तो आप इस अपडेट को कीजिए और गेम के लिए और अनलॉक कीजिए सब कुछ। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या देने पड़ेंगे बांग्लादेश लीग के लिए। तो बांग्लादेश लीग के लिए 42 प्लैटिनम कॉइन्स लगेंगे और इसका विनिंग प्राइस है 15,400 रुपीज़। और अगर हम इसे परमानेंट चाहते हैं तो 349 रुपये लगेंगे। और पाकिस्तान लीग के लिए 56 प्लैटिनम और 400 INR लगेंगे। और अब चलते हैं NPL। तो NPL का जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लुक चेंज कर दिया गया है, तो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक NPL का। और देखते हैं यहाँ पे कुछ फ्री में कुछ मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है फ्री में, वही है 1200 प्लैटिनम और 5 महीने। और अब हम चलते हैं लोकल राइवल्स। यहाँ पे तो जैसे आप जानते ही हैं WCC 2 की तरह यहाँ पे भी वाईफाई और हॉटस्पॉट की तरह। और यहाँ पे बैटिंग राइवल देख लेते हैं क्या है। बैटिंग राइवल तो नॉर्मल सा है, जो WCC 2 में था वही है शायद। और अब देखते हैं वर्ल्ड कप के लिए हमें क्या चाहिए। वर्ल्ड कप तो हमें 1000 रुपये दे के अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई प्लैटिनम वाला कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका विनिंग प्राइस है 49,500। तो बहुत ज़्यादा विनिंग प्राइस है। और अब देखते हैं एशिया कप। एशिया कप हमें 78 प्लैटिनम पॉइंट से अनलॉक सिंगल एंट्री मिलेगा और इसका प्राइस है 31,500 रुपीज़। और अब देखते हैं सीरीज टेस्ट में, ODI सीरीज में 69 प्लैटिनम कॉइन से अनलॉक करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री है। और यहाँ पे प्राइस है 35,000। चलते हैं TRI सीरीज में, तो TRI सीरीज हमें 78 प्लैटिनम कॉइन्स लेंगे सिंगल एंट्री के लिए और प्राइस है 31,500 रुपीज़। तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ महंगा है काफ़ी। अगर टोटल पैकेज खरीदना पड़े तो 3-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेट ऑजी बैश में क्या है। तो सब प्लैटिनम लिखी है। तो अब देखते हैं हमें, जैसे कि इस पे लिखा था कि हमें 3 नए स्टेडियम्स मिले हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या नए स्टेडियम्स मिले हैं। तो जर्सीज तो हमें फिर से बाई ही करने पड़ेंगे, प्रीमियम जर्सीज। तो अब चलते हैं देखते हैं कि हमें कौन से नए स्टेडियम्स मिले हैं। करते हैं न्यू मैच और 2 ओवर्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हमें पर्थ नाम का एक मैच स्टेडियम मिला है और ब्रिसबेन मिला है और बेली राइट। सभी स्टेडियम्स हमें 5 प्लैटिनम्स दे के अनलॉक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही तक था आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम अलविदा।